अभी मछली साइड आ गए हैं। देखिए एक से एक मछली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मछली मिलता है इस साइड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो कि हम लोग आए हुए हैं सुनाहतू का मार्केट, और जिसको दानाडी बाजार भी बोला जाता है। यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं। तो इस जगह बाजार नहीं लगता है, आगे साइड लगता है। तो अभी जो कि उधर आ गए हैं जिधर मार्केट लगता है, और यहाँ देख सकते हैं अभी मेला के दिनों में काफ़ी जो है कपड़ा का दुकान लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ है और ढेर सारे कपड़ा का दुकान है। यहाँ पे कुछ कुछ पापड़ सब है, और इधर जो कि थैला का दुकान, और आगे जो कि सब्जी का दुकान है, मैं वो भी दिखाऊंगी। और अभी विशेषकर जो है चप्पल, जूता, सैंडल, यही सब का ही मतलब मार्केट लग रहा है, क्योंकि अभी जो कि त्यौहार आ रहा है तो सभी अभी कपड़ा ले रहे हैं, इसीलिए अधिकतर कपड़ा का ही दुकान देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। और इधर जो कि बर्तन का भी दुकान था, और इधर सब्जियों का भी दुकान है, सब्जी मार्केट है तो सब्जी तो रहेगा ही। तो अभी जो कि इधर कुछ कुछ ताज़ा ताज़ा सब्जी है, और अभी यहाँ पे जो है काफ़ी लोग आए हुए हैं, भीड़ है। और देख सकते हैं जितना भी देखने को मिल रहा है, विशेषकर कपड़ा ही मिल रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ा आया हुआ है मार्केट में, तो देख सकते हैं। और इधर जो कि बादाम भी मिल रहा है, अभी का टाइम में बादाम, मटर, गाजर यही सब भी मिलता है मेला के दिनों में। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बादाम भी बिक रहा है यहाँ पे। और जो कि आगे में देख सकते हैं, मैं बता रही थी जैसे चप्पल जूता का ही दुकान विशेषकर है, और कपड़ा का, या फिर छोटा बच्चा का हो या फिर बड़ों का, सबका बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे भी कपड़ा आया हुआ है। जूता हुआ, जूती हुआ, सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा देखने को मिल रहा था। और देख सकते हैं इधर भी ढेर सारा कपड़ा का दुकान है, और अभी ठंड का मौसम भी चल ही रहा है, इसीलिए जैकेट्स भी हैं। और इधर जो कि देख सकते हैं सारा बच्चों का कपड़ा विशेषकर टंगा हुआ है, और इधर जो कि बड़ों का भी है और बच्चों का भी है। देखिए रंग बिरंगा ड्रेस है यहाँ पे, और लोग जो कि सब देख रहे हैं कपड़ा, सब जिसको जो अच्छा लग रहा है वो खरीद ले रहा है। और यहाँ पे जो है कंबल भी है, देखिए अभी ठंडा का सीजन में कंबल भी मिलता ही है बाजारों में। और यहाँ पे मिट्टी का बर्तन, कुछ कुछ बर्तन बना हुआ है देख सकते हैं। और ये इस जगह पे भी कपड़ा का ही दुकान है, विशेषकर अभी कपड़ा का ही दुकान देखने को मिल रहा है हम लोग को। और यहाँ पे जो है बच्चों का फ्रॉक बहुत ही सुंदर सुंदर है, पिंक पिंक देख सकते हैं। और इधर भी कपड़ा दुकान ही है विशेषकर, इधर सारा का सारा दुकान जो है कपड़ा का ही दुकान है। और इधर जो कि सिलाई सेंटर है, और किन्हीं का अगर कपड़ा फिटिंग नहीं होता है तो यहाँ पे सिल सकते हैं, ऐसा कोई कोई सिलने के लिए बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं इधर जो कि मिट्टी का बर्तन है, और पापा आगे आगे चल रहे हैं हम लोग को जो कि दिखा रहे रास्ता, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे हमेशा नहीं आते हैं, पापा लोग तो इधर घूम चुके हैं इसीलिए उनको पता है कि किधर क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो कि झाड़ू भी बिक रहा है, झाड़ू भी बेचने के लिए लाई है महिला सब। और अभी मछली साइड आ गए हैं, देखिए एक से एक मछली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मछली मिलता है इस साइड में। और बहुत ही मतलब बड़े बड़े, छोटे छोटे, जिस प्रकार के मछली चाहिए यहाँ पे मिल सकते हैं इस साइड में। और देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा मछली है, और छोटा छोटा भी मछली है, जो कि सब कुछ मतलब काट के दिया जाता है। अगर बनाने बोला जाए यहाँ पे, आप लोग बनाने के लिए बोलिएगा तो इन लोग बना दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा मछली था, और अभी आगे जा रहे हैं। अभी तो मछली सारा ख़त्म हो गया, अब आगे और भी क्या क्या दुकानें हैं देखते हैं इस बाज़ार में, और क्या क्या चीज़ ऐसे मिलता है देखते हैं। तो इधर देखिए इधर भी कपड़ा का ही दुकान है, और इधर विशेषकर कपड़ा का ही दुकान मिल रहा है देखने को, अभी कपड़ा ही कपड़ा मिल रहा है सब तरफ। और इधर जो कि गर्ल्स लोग के लिए चूड़ी हो, कंगन हो, ऐसा कुछ कुछ सब मिल रहा है। इधर साइड हम लोग आ गए हैं, और महिलाओं के लिए चूड़ी देख सकते हैं, और इधर जो है बच्चों के लिए भी चूड़ी है। और ये सब कुछ कुछ पोहा है, बीज है जिसको लगाया जाता है, जो पौधा सबको लगा के मतलब उगाया जा सकता है, जैसे कुछ कुछ पौधा सब था। और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, कुछ लेंगे यहाँ पे, ढेर सारा चीज़ है यहाँ पे गर्ल्स लोगों के लिए। तो मैं देख सकते हैं इधर बिंदी है, और मैं इयर रिंग्स ले लेती हूँ, ऐसे ब्लैक ब्लैक मुझे अच्छा लगता है, तो ब्लैक ब्लैक टॉप्स ले लेती हूँ। और भी बड़ा बड़ा है मुझे दिखाया जा रहा था देख सकते हैं, बट ये मैं नहीं ली, काफ़ी बड़ा लगा मुझे, तो ये इसी को ले लेते हैं।
और ये ले लिए अभी, और देख सकते हैं इनके पास और भी बहुत कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ों के लिए छोटों के लिए। तो अभी जो है हम लोग और आगे चलते हैं, इधर जो कि लोहा का सामान है, देख सकते हैं लोहा का ही चीज़ है यहाँ पे। और फिर हम लोग सब्जी मंडी की तरफ आ गए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ हैं, सारा ताज़ा ताज़ा सब्जी है। और बाज़ार है तो सब्जी तो मिलना आम बात है, सब्जी सब तरफ मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ कुछ साग भी है यहाँ पे, और बादाम देख सकते हैं यहाँ पे बादाम, काफ़ी बादाम है। तो और इधर प्याज साग भी है। और अभी जो कि बीच में आ गए हम लोग घूमते घूमते, इधर बस सब्जी ही मिल रहा है। तो यहाँ बीच से देख सकते हैं चारों तरफ कैसा दिख रहा है, सब तरफ जो है काफ़ी भीड़ लग रहा है देख सकते हैं। और अभी जो कि हम लोग और भी आगे जा रहे हैं, और इधर से जो है और रास्ता निकलेगा, हम लोग इधर से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा बोरा सब है देख सकते हैं, जिसमें धान या चावल रखा जाता है, ऐसा ऐसा बोरा सब है। यहाँ कितना सुंदर सुंदर ड्रेस भी है, देखिए इधर साइड भी जो है बर्तन सब है, कुछ कुछ बर्तन यहाँ पे है, दुकान है बर्तनों का। और ये देखिए बड़ा बड़ा बॉक्स भी है, यहाँ पे दुकानें हैं, ढेर सारी दुकान है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कुछ कुछ बच्चों का बैग है, बैग भी लिया जा सकता है यहाँ से। या ये वाला दुकान सब कभी बंद नहीं होता है, मार्केट तो सप्ताह में दो दिन लगता है, बट यहाँ का दुकान सब जो है ये दुकान सब बंद नहीं होता है, ये सब हमेशा खुला ही रहता है, ये डेली के लिए है। और देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई भी है और बर्तन, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हुआ रस्सी हुआ मग हुआ, तो यहाँ पे ढेर सारे चीज़ें हैं। और आगे भी बस दुकान ही लगा हुआ है, इस लाइन में बस दुकान ही है। मार्केट से हम लोग जो कि निकल चुके हैं, तो इधर दुकान ही मिल रहा है, जो कि शॉल है देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर शॉल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौना भी बहुत अच्छा अच्छा है। तो अभी जो कि हम लोग रास्ता तक निकल चुके हैं, और अभी हम लोग घर चलेंगे। और तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।